नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं आपके लिए लेकर आया हूं 26 से 30 जून तक के लिए दैनिक राशिफल। आइए शुरू करते हैं और देखते हैं आपका आने वाला दिन कैसा रहेगा। पहली राशि लेते हैं मेष राशि यानी एरीस। 26 जून का दिन आपके लिए बढ़िया रहेगा। इस दिन आप खुशहाल रहेंगे, हर प्रकार से चिंता मुक्त रहेंगे। कुछ दुविधाग्रस्त मामलों में आप सही और सटीक निर्णय ले पाएंगे। इस दिन चुने हुए निर्णयों की वजह से आपका जीवन अच्छा भी रहेगा और आपको अपने निर्णयों पर गर्व भी होगा। 27 जून भाग्यकारी दिन है क्योंकि भाग्य इस दिन आपके साथ रहेगा। आप अपनी सोच को, अपने विचारों को पॉजिटिव रखें। जितना ज़्यादा आप अपने विचारों को पॉजिटिव रखेंगे, भाग्य पॉजिटिवली आपके लिए उतना ज़्यादा हेल्पफुल होगा। विचारों में नकारात्मकता का मतलब भाग्य भी नकारात्मक हो जाएगा। 28 जून के दिन आप धन की समस्या से दो चार हो सकते हैं, लेकिन ये समस्या बहुत बड़ी नहीं है, इसलिए अपने आप को ज़्यादा परेशान ना करें। हो सके तो इस समस्या का सामना दिन भर करें और पूरे दिन को निकल जाने दें। इस दिन कोशिश करें कि आपको किसी से उधार ना लेना पड़े और किसी को अपनी सिचुएशन ना बतानी पड़े। अगर आप अपनी सिचुएशन किसी के सामने शेयर नहीं करते हैं तो आप एक प्रकार के एम्बेरसमेंट से बच भी जाएंगे। 29 जून के दिन आप थोड़ा सा निराश होंगे जब आपको ऐसा लगेगा कि आपके जीवन में कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियां जो आप हासिल कर सकते थे वे अभी भी पेंडिंग हैं। 29 जून को आप ईश्वर से भी थोड़ा नाराज हो सकते हैं क्योंकि आपको ऐसा भी लग सकता है कि ईश्वर ने आपकी उन मामलों में हेल्प नहीं करी जहां उन्हें आपकी बहुत ज्यादा मदद करने की जरूरत थी। ऐसी परिस्थिति में आपको अपने ऊपर थोड़ा सा ज्यादा विश्वास करने की जरूरत है, अपने कॉन्फिडेंस को थोड़ा सा और इनहेंस करने की जरूरत है। अगर आप अपने ऊपर ज्यादा विश्वास कर पाएंगे तो आप इस दिन निराशा के भंवर में फंसने से खुद को बचा ले जाएंगे। इन चारों दिनों के अपेक्षा में 30 जून थोड़ा सा खराब है क्योंकि इस दिन आपको धोखा भी दिया जा सकता है। आपकी किसी योजना में कुछ खराबी आ सकती है या आपकी योजना पूरी तरह से डिस्ट्रॉय नष्ट हो सकती है। ऐसी परिस्थिति में खुद को शांत रखने की कोशिश करें। अपने बारे में लोगों को कम से कम इन्फॉर्मेशन दें 30 जून के दिन और अपने विचार व अपने सीक्रेट्स किसी को भी ना बताएं। अगर आपको दूसरों के सीक्रेट भी पता है तो उन्हें डिस्क्लोज ना करें, उजागर ना करें। किसी भी प्रकार के वाद विवाद में पड़ने से खुद को बचा कर रखेंगे तो बढ़िया रहेगा। इन पांचों दिनों में से प्रेम संबंधों के लिए 28 और 30 जून बढ़िया तिथियां नहीं हैं, 26, 27 और 29 अच्छे हैं। वैवाहिक जीवन के लिए इन तीनों दिनों में से 26 और 27 बहुत अच्छे दिन हैं। 28, 29, 3 वैवाहिक लोगों के लिए बहुत बढ़िया दिन नहीं है, इसलिए ज्यादा झगड़ा इत्यादि न करें, शांति से दिन को निकालें। तो दोस्तों, यह था दैनिक राशिफल 26 से 30 जून तक के लिए। मेरा कार्यक्रम कैसा लगा आप अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।